यमुना अथॉरिटी से एनओसी पास जमीन 143 अप्रूव जमीन और कहाँ पर धनकौर के मेन बाजार में, जहाँ पे बाजार के पास में देखोगे आपके सामने किसान आदर्द इंटरनेशनल कॉलेज है, इसी कॉलेज से लगती पीछे जमीन है आपकी। और हम अगर साइड के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ से इस कॉलेज की बाउंड्री आपको दिखाई देगी। मैं लेकर आया हूँ मार्केट के अंदर ऑन रोड ऑन हाईवे, ठीक है, बिल्कुल गेटेड सोसाइटी के अंदर कॉलेज के साथ में बिल्कुल, और पेट्रोल पंप के बगल और इस रोड पे बैठे हैं जहाँ मात्र 200 मीटर के डिस्टेंस से साइड से ये रोड जो है सिकंदराबाद हाईवे रोड बनेगा। ये चलता फिरता मार्केट है, इसके अंदर आपको कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। अभी एट पर हर बस्ती दवा दारू सब कुछ यहाँ मिलेगा। आप ऑन हाईवे है, अपनी साइड से मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस में है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं है। कोटिया कॉलेज से जस्ट साथ में जो सेक्टर 17 बी का रास्ता आ रहा है ये वही रोड है, ठीक है। यूनिवर्सिटी से जस्ट साथ में ये आप देख रहे हैं जीएल बाजार की जमीन है, ठीक है। जीएल बाजार बनेगा, इसके बाद जो है गलगोटिया है, नोडा है, जेपी वाला स्कूल बन रहा है, ये जो है 120 फीट का रोड है, ठीक है। साथ ही अपनी जमीन ये सामने रह गई, ठीक है। ये रोड जा रहा है सीधा, ये 60 मीटर का रोड है, मतलब 200 फीट का चौड़ा रोड होगा, ठीक है। यहाँ से जो है आपकी जमीन जो है मुश्किल एक मिनट का रास्ता है। कॉलेज के साथ में ये जो गेट देख रहे हैं चौधरी जीतू सिंह नंबरदार, ये अपना गेट है, ठीक है। इसके अंदर से जा सकते हैं आप, फ्रंट पे जो है 200 फीट का रोड है, वहाँ से भी ला सकते हैं आप, ठीक है, कस्टमर को। इसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए, बड़े बच्चे हैं कॉलेज जाने के लिए, और उनसे जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, अब बाकी उनके जो बड़े बच्चे हैं वो अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए, ऐसी सोसाइटी लेकर आया हूँ। आज मैं आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलाने वाला हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसी प्रॉपर्टी देने में लगाते हैं, जहाँ पे गरीब लोग हो या मध्यम वर्गीय, वो लोग अगर चाहते हैं लीगल प्रॉपर्टी खरीदने तो आपको ये सिर्फ मिलेगी तो यही मिलेगी, क्योंकि दिनेश पांडे जी मेरे साथ है जो आपको लेके आए हैं। यमुना अथॉरिटी से एनओसी पास जमीन 143 अप्रूव जमीन और कहाँ पर धनकौर के मेन बाजार में, जहाँ पे बाजार के पास में देखोगे ये आपके सामने किसान आदर्श इंटरनेशनल कॉलेज है, इसी कॉलेज से लगती पीछे जमीन है आपकी। और अब अगर साइड के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ से इस कॉलेज की बाउंड्री आपको दिखाई देगी। तो पांडे जी क्या धमाका करने वाले हैं आज? नमस्कार, दिनेश पांडे जी, और ये मेरे दोनों भाई आशीष शिव, ठीक है जी। जैसा वादा किया था वादा हमने पूरा किया, ठीक है। प्रॉपर्टी तो बेचने को सारे बेचते हैं, ठीक है। मैं लेकर आया हूँ मार्केट के अंदर ऑन रोड ऑन हाईवे, ठीक है, बिल्कुल गेटेड सोसाइटी के अंदर कॉलेज के साथ में बिल्कुल, और पेट्रोल पंप के बगल में बिल्कुल। कॉलेज के साथ में ये जो गेट देख रहे हैं चौधरी जीतू सिंह नंबरदार, ये अपना गेट है, ठीक है। इसके अंदर से जा सकते हैं आप, फ्रंट पे जो है 200 फीट का रोड है, वहाँ से भी ला सकते हैं आप, ठीक है, कस्टमर को। इसके है। अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए, बड़े बच्चे हैं कॉलेज जाने के लिए, और उनसे जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, अब बाकी उनके जो बड़े बच्चे हैं वो अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए, ऐसी सोसाइटी लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया। ये जो प्रॉपर्टी है रजिस्ट्री मोटेशन बैंक लोन पीएनबी से करवा रहा हूँ, आईसीआईसी से करा रहा हूँ, और ये 143 दर्ज किया हुआ जमीन है। ये प्रॉपर्टी जो है इकलौता ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस एनसीआर के अंदर मैं लेकर आया हूँ, जो रेडी टू मूव सोसाइटी है। आज लीजिए, आज बनाइए, आज रहना स्टार्ट कीजिए। हमारे यूपी भाई के लोगों के, बिहार के भाइयों के लिए एक सबसे बढ़िया चीज लेकर आया हूँ, आपका भाई दिनेश पांडे लेकर आया है। बातों से फूल नहीं खिलता, काम करने से फूल खिलता है। आइए मौके पे देखिए, कॉलेज के सामने दिख रहा है ये रोड जो देख रहे हैं, गेट नंबर 2, एयरपोर्ट का नाम सुना होगा आपने, ये सीधा वहाँ चली जाएगी। परी चौक से उतरते हैं आप, आपकी सोसाइटी के सामने गेट के पास, ठीक है, बस उतार के जाएगी। ओला उबर प्राइवेट बसें नहीं, सरकारी बसें आपके घर के पास बसें आके छोड़ के जाएंगी। ये ऑन रोड है, जाएगी नहीं, जा रही है, करंट में बस चल रही है, ऑटो चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। मार्केट में आपने पीछे देखा भी होगा, सारे मार्केट बसा हुआ है, हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, मवेशियों का हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है, सीएनजी पंप है, बस स्टैंड है। मार्केट के अंदर लेकर आया है आपका भाई प्रॉपर्टी बिल्कुल जेन्युइन रेट पे, बैंक लोन के साथ, मोटेशन के साथ, बनाने के साथ साथ आपका भाई भी। इस नवरात्र में आप सभी लोग जो है अपने भाई को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आप बड़ों का जो है सम्मान, हमारा जो है एक बार सोसाइटी में आइए, लेना ना नहीं लेने की बात है। लोकेशन देखिए, ऑन हाईवे एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे पे ये प्रॉपर्टी है, सेक्टर 17 बी के साथ में है, धनकौर मार्केट के पास में है, जस्ट कॉलेज के पीछे है। अभी कॉलेज देख रहे हैं आप, इसके पीछे के लोकेशन में दे रहा हूँ। तो पांडे जी, हम साइड से मात्र 5 मिनट की दूरी पे कहाँ पे आ चुके हैं? ये धनकौर मार्केट के अंदर है, सामने हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है जी। इसके बाद पशु का हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है, बैंड बाजा बारात सब कुछ मिलेगा। और इस रोड पे बैठे हैं जहाँ मात्र 200 मीटर के डिस्टेंस से साइड से ये रोड जो है सिकंदराबाद हाईवे रोड बनेगा। ये चलता फिरता मार्केट है, इसके अंदर आपको कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। अभी एट पर हर बस्ती दवा दारू सब कुछ यहाँ मिलेगा। आप ऑन हाईवे हैं, अपनी साइड से मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस में है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दोस्तों इसी रोड से अगर आगे जाते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर आप सड़क पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको आगे ले जाता हूँ, बारी बारी से आपको सारी चीजें।
तो पांडे जी भी मेन बाजार से आने के बाद कहाँ पे आ चुके हैं? ये आगे मेन एंट्रेंस पे, ये सेक्टर 17 बी यमुना अथॉरिटी का है। ठीक है। गलगोटिया कॉलेज से जस्ट साथ में जो सेक्टर 17 बी का रास्ता आ रहा है ये वही रोड है। ठीक है। यूनिवर्सिटी से जस्ट साथ में ये आप देख रहे हैं जीएल बजाज की जमीन है। ठीक है। जीएल बजाज बनेगा, उसके बाद जो है गलगोटिया है, नोएडा है, जेपी वाला स्कूल बन रहा है। ये जो है 120 फीट का रोड है, साथ ही अपनी जमीन ये सामने रह गई। ठीक है। ये रोड जा रहा है सीधा, ये 60 मीटर का रोड है, मतलब 200 फीट का चौड़ा रोड होगा। ठीक है। यहाँ से जो है आपकी जमीन जो है मुश्किल एक मिनट का रास्ता है। ये आईजीएल की लाइन डल रही है आपके लिए, जो है आईजीएल की लाइन सब चार पांच डल रही है, सारे लोग को आईजीएल कनेक्शन मिलेगा। ठीक है। और ये जो साइट है ये एंट्रेंस है। ठीक है। आप अगर बाहर से आना चाहते हैं यमुना एक्सप्रेस उतर के अपनी जमीन पे आ सकते हैं। ठीक है। मार्केट के लिए मैंने रास्ता दिखाई दिया आपको। ठीक है। अपनी जमीन के जस्ट पीछे ही मार्केट है, चलते फिरता रोड होने वाला है। यहाँ तक आपकी गवर्नमेंट की बस आती है, आगे जाने तक कोई टेंशन नहीं है, 24 घंटे कहीं भी जाना आपको बस तो कहीं भी है, आपकी जमीन पे उतार के जाएगी। ऐसा नहीं कि कहीं साइड में उतार देगी, आपके घर से 100 मीटर सोसाइटी के एकदम सामने उतारेगी, बिल्कुल सोसाइटी पे उतारेगी। बहुत बढ़िया। ये यूपी गवर्नमेंट वाली जो है बसें चलती हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ओला उबर की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी जमीन पे बसें उतार के जाएंगी तो 100% जा रही है। ठीक है। जाएंगी नहीं, जा रही है, परसेंट की कहानी बता रहा हूँ। अब चलते हैं आपके प्लॉट दिखाते हैं, फिर साइड पे ले जाते हैं। अब आइए मौके पर चलते हैं। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसे कि कहा था आपसे कि आदर्श किसान आदर्श इंटर कॉलेज के पीछे हम ले आ चुके हैं, ये बाउंड्री उसी की है। और यहाँ पे देखिए हमारी सोसाइटी आ चुकी है और ये सोसाइटी का मेन रास्ता होने वाला है। सामने आपका 200 फीट का रोड हो जाता है, चलता फिरता आपका रोड होने वाला है, जो ट्रक जरा देख पा रहे हैं वहाँ से यहाँ तक का 200 फीट का रोड हो जाता है। और 200 फीट के रोड के बगल में लगती हमारी साइड होने वाली है। सर नमस्कार, अभी हम कहाँ पे आ चुके हैं? ये हम दनकौर के जो है ऊंची दनकौर कहलाती है, ऊंची दनकौर के किसान कॉलेज के पीछे। ठीक है जी। ये आपकी जमीन है। ठीक है जी। 200 फीट के चौड़े रोड पे है, 60 मीटर रोड ऑन रोड ऑन पेपर ऑन मास्टर प्लान के ऊपर ये दर्ज किया हुआ जमीन है। ठीक है। ये 200 फीट के बाद दीवार स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी। दीवार के साथ साथ ये पूरी सोसाइटी गेटेड है। सर कितने बीघे में बनी है सोसाइटी हमारी? ये हमने 12 बीघा जमीन लिया हुआ है। ठीक है जी। 12 बीघा के अंदर अभी जो है मिट्टी एक महीना पहले अराउंड में लिया हुआ है। जैसा आपको पता है कि मौसम अभी खराब चल रहा था 10 दिन से, बारिश हुआ था, अभी देखिए सीवर का काम कंप्लीट कर दिया है। अच्छा। सारे सीवर सर सीवर जो है गवर्नमेंट से कनेक्ट है आपका? ये जो सीवर हमने बाहर कोई ऐसी लाइन है गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, ये मेन रोड देख रहे हैं 200 फीट वाला जी, यहाँ सीवरेज का लाइन भी मिलेगा और आईजीएल का लाइन भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। इससे जाके कनेक्ट किया हुआ है, 200 फीट के रोड पे है ये। इसमें ये रोड आपके कितने फीट का मिल जाता है? 25 का इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है। और जस्ट ये साथ में दीवार देख रहे हैं, इसमें भी पीछे 25 फीट का रोड है। अच्छा। और इंटरनल रोड 22 फीट का रोड दिया हुआ है। सारे सीवर कम्प्लीट हो गए, बेस डला हुआ है और ये मुश्किल 10 दिन के अंदर जो है, बारिश नहीं हुई, मौसम अच्छा हुआ, इस सोसाइटी को जो है चारों तरफ से बाउंड्री करवा चुके हैं, रोड की मार्किंग कर चुके हैं, रोड बनाएंगे, आरसीसी कंप्लीट करके देंगे, सीवर डाल के देंगे, बिजली कनेक्शन करके देंगे। ये कॉलेज हो गया, कॉलेज के दीवार के पीछे मैंने जैसा बताया था जी, ये आपका क्लासरूम हो गया, क्लासरूम के साथ में आपकी जमीन हुई, प्योर आबादी के अंदर जमीन है, एनओसी के साथ है, रजिस्ट्री म्यूटेशन के साथ है, बैंक लोन जो है पीएनबी बैंक आईसीआईसी बैंक से लोन करवा रहे हैं। अच्छा। बाकी एनबीएफसी से करवा के दे रहे हैं, मतलब पीएनबी बैंक से गवर्नमेंट बैंक से भी लोन हो जाता है आपका? इसमें जो है 9:30 से स्टार्ट है, 11 तक जो है कार्रवाई जाएगा। जैसा आपके दर्शक आते हैं, बहुत सारे पिछले भी आए तो बोल रहे थे कि पांडे जी मेरा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा दीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनकी सैलरी और इनकम के ऊपर निर्धारित होता है कि उनकी कैसी स्टेटस है। ठीक और है। हमारा जो पेपर होगा, पेपर के बदौलत जो है 15 से 20 दिन के अंदर हम आपको लोन करा के दे देंगे। पांडे जी आखिरी में ये बताइए, आपने अभी मार्केट दिखा दिया हमको, पेट्रोल दिखा दिया, दनकौर का मेन बाजार दिखा दिया, जहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज या बात करें हॉस्पिटल्स की या बात करें आप सारी चीज़ों की हम दिखा दी। अब हम साइड पे आ चुके हैं, तो आखिरी बार व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे क्यों आना चाहिए, क्यों उनको यमुना अथॉरिटी से एनओसी पास जमीन लेनी चाहिए, क्यों उनको 143 लेना चाहिए? देखिए जगह जमीन खरीदना सबके जो है सपना होता है, मेहनत की कमाई होती है, वो लेने के लिए कोई भी ले ले जी, लोन कोई भी करा ले, लेकिन बेचारों का अगर पैसा कहीं ब्लॉक हो जाए, कहीं फंस जाए या डूब जाए, बिल्कुल उसमें जो है मार्केट खराब होता है, लोग डरते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जो है कहीं भी जमीन लेते हैं, मेरे से ही मत लें, किसी से भी जमीन लें, बिल्कुल 143 पेपर देखें, आबादी में दर्ज है कि नहीं वो देखें। ठीक है। और लोकेशन जो है आबादी में है कि वीरान खेत में? बिल्कुल सही बात है। आप बना के रहें, हमें खुशी होगी कि हमारा आदमी बना के रह रहा है। ठीक है। आप जो है प्रॉपर्टी ले रहे हैं बिल्कुल दनकौर देहात के अंदर, जो खतौनी होगा उस पर लिखा रहेगा दनकौर देहात खसरा नंबर 30
इसमें जाकर देखें, रजिस्ट्री का पेपर हमारे से मंगाएं, पेपर भी आबादी में पीछे से भी आबादी से होते हुए आ रहा है। इसकी रजिस्ट्री कहाँ पे होगी सर? ये गामा टू अथॉरिटी में होती है। ठीक है, ये सब कुछ जो है नीट एंड क्लीन, कहीं एक्वाजिशन की जमीन नहीं है। आपको हर तरह का सर्टिफिकेट देंगे, हर तरह से संतुष्ट करेंगे। पैसे की बात जो आ रही है तो पैसे में जो है हम 25,000 से 30,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे करके दे रहे हैं। मार्केट के रेट के हिसाब से, जैसा कस्टमर जैसा प्रॉपर्टी चाहेगा उसके हिसाब से देंगे। जितनी जमीनें होंगी सारी अपनी होगी, डायरेक्ट होगी, मीडिएटर कोई नहीं होगा, दलाली कोई नहीं देना, ब्रोकरेज कोई नहीं देना, साफ सुथरा चीज देना है। अच्छी चीज है, आपके अंदर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इसके अंदर जो है जेन्युइन बसावट के अंदर होगा, बसावट के अंदर के साथ साथ धनकौर देहात के अंदर जमीन है। बैंक लोन जो होगा हम आपको मात्र 10% देंगे, 90% बैंक लोन कराएंगे, 70% आपको परचेजिंग के लिए, 20 से 25% कंस्ट्रक्शन के लिए करा के देंगे। इमीडिएट बनाइए, नक्शा पास कराइए, नगर पंचायत से नक्शा पास कराइए। 17 मीटर की इसकी हाइट होगी, 17 मीटर मतलब 4-5 फ्लोर आप बना सकते हैं। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ जेन्युइन ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूँ। आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मार्केट के अंदर है, बस स्टैंड है, पेट्रोल पंप है, सीएनजी पंप है, हॉस्पिटल है, ये भी हॉस्पिटल, हर तरह के हॉस्पिटल है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आपको क्या चाहिए सब कुछ मिलेगा आपके पास में। घर के साथ में देखिए, पीछे देखिए कॉलेज, स्कूल बस से जा रही है, देखिए देखिए सामने बस जा रही है आपकी, मतलब आपको जो है किसी को बताने की जरूरत नहीं। बगल में सिकंदराबाद हाईवे है, बिल्कुल आपका एयरपोर्ट गेट नंबर 2 मिलेगा, मेट्रो मिल जाएगा पास में आपको, सब कुछ जो है आपको डेवलप किया हुआ सोसाइटी है, साफ सुथरी सोसाइटी है, लेने के लायक ये सोसाइटी है। बाकी आप प्रभु परमात्मा कृपा से आप जो है आए, देखे, लेना ना लेना बात की बात है, एक बार देखे, अच्छी ऐसी सोसाइटी बहुत अच्छी है, मेहनत से बनाया हुआ है, कोई धांधली वाली चीज नहीं है, अच्छी चीज है, ले, पसंद करें और आगे फ्यूचर प्लान करें। धन्यवाद सर, आज की वीडियो में इतना समाप्त करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और मैं कहूंगा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 143 अप्रूव्ड जमीन चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। धन्यवाद, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।